हे गाइस, वेलकम टू कुकिंग खबीर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी सी दाबेली बनाने का सबसे आसान तरीका। घर के मसालों को यूज़ करके मैं आपको दाबेली मसाला भी बनाना बताऊँगी और एक मिनट के अंदर बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी चटनी भी बनाएंगे। तो चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को टच कर दें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो पहले मैं आपको बहुत ही टेस्टी और इजी दाबेली मसाला बनाना बताती हूँ। तो उसके लिए आपने लेना है एक बोल, इसमें डालना है 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच है भुना जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच है गरम मसाला पाउडर। 1 छोटा चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटे चम्मच से भी कम है हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच डालेंगे सौंफ का पाउडर है और 1 छोटा चम्मच है गरी का बुरादा। अगर आपके पास अभी गरी का बुरादा नहीं है तो आप किसी भी गरी को ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। इसको हम साइड में करेंगे और लेंगे हम एक बोल, इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच है अमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। ये मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसका यूज़ बाद में करेंगे। अब हमने गरम कढ़ाई में डालना है 2 बड़ा चम्मच के करीब मक्खन, मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया हुआ है, और 1 बड़ा चम्मच है रिफाइंड ऑयल। दोनों को मिक्स यूज़ करें, इससे बटर जो है वो जलेगा नहीं। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है और जैसे ही बटर मेल्ट होने लगे तब इसके अंदर हमने ये वाला मसाला डालना है। इसको चलाते हुए हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने डाला हुआ है 1.5 कप है बॉयल आलू, ठीक है। इसको हम मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे और जब आप आलू इसमें डाल दो तब फ्लेम को कर देना मीडियम पे, ठीक है। फिर इसको मैश करते हुए मिक्स करेंगे। जब आलू इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा इन मसालों में तब हमने इसके अंदर ये अमचूर और नमक डालना है, ठीक है। इसको भी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस दाबेली को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें पनीर को ग्रेट करके डाल रही हूँ। पनीर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और पनीर के जगह चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी दाबेली बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। अब इसको हम मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रहेगी, ठीक है। 2 मिनट के बाद आप देखो कि दाबेली बन के रेडी हो गई है। अब इसको हमने एक अलग बोल में निकालना है और अब मैं आपको बताती हूँ कि दाबेली में यूज़ होने वाली खट्टी चटनी को आप 1 मिनट में कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपने लेना है एक बोल, इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच है काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच है सफ़ेद नमक और 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। लीजिए, हमारी इंस्टेंट खट्टी चटनी बनके रेडी हो गई। ये बहुत ही टेस्टी है, आप भी एक बार ये चटनी ज़रूर ट्राई करें। और अब हम दाबेली को सर्व करेंगे। उसके लिए मैंने बोल में जो है ये दाबेली को पूरा लेवल इस तरीके से फिल कर लिया है। फिर इस तरीके से पलट के हम इसको डिश आउट करेंगे और इसके एजेस पे मैं ये अनारदाने को इस तरीके से गार्निश कर रही हूँ और इसके ऊपर ग्रेट करेंगे ये पनीर। इसको बहुत ही अच्छे से ग्रेट कर लिया है पूरे तरफ और फिर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ फ्रेश धनिया पत्ती और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा अनारदाना और बारीक कटी हुई प्याज को इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये हमारी दाबेली सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जब आपने इसको खाना हो तब आपने बन को इस तरीके से बीच से कट करना है और पूरा कट नहीं करेंगे, हाफ़ कट करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर और नीचे इस तरीके से मैंने इस खट्टी चटनी को लगा दिया हुआ है और अब इसके ऊपर हमने ये रेडी की हुई दाबेली रखना है और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये बारीक कटी हुई प्याज। उसके ऊपर मैंने ये ग्रेट किया हुआ पनीर भी रखा हुआ है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो गया था। और अब हमने इसको फ्रेश धनिया पत्ती और अनारदाने से थोड़ा गार्निश करके सर्व कर देना है। लीजिए, बहुत ही टेस्टी, इंस्टेंट और बहुत ही इजी दाबेली बनके रेडी हो गई है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।